अपनी पहली फिल्म आशिकी से तुरंत मौके मिलने वाले भूले बाइसरे एक्टर राहुल रॉय अपनी पहली हिट फिल्म के बाद इंडस्ट्री में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। आशिकी के बाद कई फिल्मों में एक्टर पर किसी का ध्यान नहीं गया। अपने अपरंपरागत अच्छे लुक और असामान्य हेयर कट के साथ राहुल रॉय ने अपने डेब्यू के साथ स्टॉर्म ला दिया, लेकिन फिर अपने करियर में गिरावट के बाद वह फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता इंदिरा और दीपक रॉय हैं। राहुल ने अपनी नामांकित शिक्षा सनावर के लॉरेंस स्कूल से की। उनकी माँ कोरी वालिया बॉलीवुड के साथ साथ शोबिज में भी एक बड़ा नाम है। राहुल ने पूजा भट्ट, मनीषा कोयराला और कमल पेंटिंग जैसी कुछ खूबसूरत महिलाओं को डेट किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने राजलक्ष्मी के रॉय से शादी कर ली, जो एक फैशन मॉडल है। राहुल रॉय का एक जुड़वां भाई है जिसका नाम रोहित है, जो 26 मिनट बड़ा है। राहुल रॉय को रातों रात सफलता तब मिली जब उन्हें महेश भट्ट की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म आशिकी में एक और नवोदित अभिनेत्री अनु अग्रवाल के साथ मुख्य भूमिका मिली। इस फिल्म में राहुल रॉय ने उस समय के बच्चों के बीच एक आइकन बनाया था। उनकी पहली फिल्म आशिकी की सफलता के बाद राहुल के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई। उन्होंने उस वक्त करीब 40 फिल्में साइन की थीं। राहुल अगली बार 1992 में सुधाकर बोकाडे की ड्रीम साजन के में अर्तार कपूर के साथ रोमांस करते दिखे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही। पूजा भट्ट के साथ महेश भट्ट की आत्मकथा फिल्म तेरी कहानी याद आई में उनका सराहनीय अभिनय प्रदर्शित हुआ।